इस विधेयक को इस महान सदन की अनुशंसा मिलने के बाद ही लाखों करोड़ों लोग यातनापूर्ण जीवन से मुक्त हो जाएंगे और सम्मान के साथ भारत के नागरिक बनेंगे। माननीय, सुबह बहुत सारी चर्चा होती थी कि इसे किसी को सिंगल आउट करने की बात है, किसी के साथ अन्याय करने की बात है, कोई पॉलिटिकल एजेंडा लगाने की बात है। माननीय, मैं फिर से एक बार स्पष्ट करना चाहता हूं, ये विधेयक ध्यान से अगर कोई मेरे बात को सुनेगा, फिर से विधेयक को पढ़ेगा, तो मैं ये सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं किसी को अन्याय नहीं होगा, होगा तो न्याय ही होगा और उन लोगों के साथ न्याय होगा जो 70-70 साल से न्याय की राह देखकर बैठे। माननीय, पॉलिटिकल एजेंडा की बात करी तो पॉलिटिकल एजेंडा क्या होता है? हम चुनाव में जाते हैं, हम बहुपक्षीय संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में जीते हैं, हर पार्टी अपना अपना घोषणा पत्र घोषित करती है और घोषणा पत्र को जनता के सामने रखती है, उसका प्रचार करती है, घोषणा के बिंदुओं को सारे देश की जनता के सामने सारे प्रत्याशी सारे पार्टी के लोग रखते हैं, इसके आधार पर एक जनमत की निर्मित करते हैं और निर्मित हुआ और जनमत अपनी सरकार का चयन करता है। पॉलिटिकल एजेंडा क्या है? ये संवैधानिक प्रक्रिया है। हर राजनीतिक दल किसके आधार पर चुनाव लड़ना चाहिए? सिर्फ अपने नेता के चेहरे के आधार पर चुनाव लड़ना चाहिए? परिवार के आधार पर चुनाव लड़ना चाहिए? किसके आधार पर चुनाव लड़ना चाहिए? मैं मानता हूं पार्टी की विचारधारा और पार्टी के घोषणा पत्र के आधार पर चुनाव लड़ना चाहिए जो इस देश की जनता के अपेक्षाओं में से निर्मित होता है। चुनाव घोषणा पत्र क्या होते हैं? जो देश की जनता राजनीतिक दलों से अपेक्षा रखती है। राजनीतिक पार्टियां जब जनता के बीच में जाती हैं, उनके संगठन के लोग जाते हैं, चुने हुए जनप्रतिनिधि जाते हैं, जो बात सुनते हैं, इनकी संवेदना को सुनते हैं, वो अंततः गत्वा तो घोषणा पत्र के अंदर समाहित होती। वो चुनावी एजेंडा नहीं होता है, वो पॉलिटिकल एजेंडा नहीं होता है, वो देश की जनता की जन भावनाओं का प्रतिबिंब होता है जिसको देश की जनता के स्वीकृत किया। यहां यही हुआ है। माननीय, 2014 और 2019 दोनों चुनाव के हमारे मैनिफेस्टो के अंदर, और मुझे कहते हुए गर्व है कि 2019 में जब मैनिफेस्टो की घोषणा करी, मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था, उसको रखने का गौरव मुझे प्राप्त हुआ। माननीय, हमने कहा था, हमने घोषणा पत्र में क्या कहा था? हम हमारी पड़ोसी देशों के प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों को, तो माइनॉरिटी तो मेरे मित्र जो विरोध कर रहे थे, उसका एजेंडा है। क्यों एजेंडा है? क्योंकि आप मानते हैं कि माइनॉरिटी को विशेष व्यवस्था मिलनी चाहिए। मैं कई बार आपके मुंह से सुना है कि माइनॉरिटी को विशेष व्यवस्था मिलनी चाहिए, तो बांग्लादेश की माइनॉरिटी को विशेष व्यवस्था नहीं मिलनी चाहिए, पाकिस्तान की माइनॉरिटी को विशेष व्यवस्था नहीं मिलनी चाहिए, अफगानिस्तान की माइनॉरिटी को विशेष व्यवस्था नहीं मिलनी चाहिए। कौन भेदभाव कर रहा है? माननीय, मैं तो नहीं कर रहा, भेदभाव कौन कर रहा है? एक जगह पे तो खड़े होते, माइनॉरिटी को सिंगल आउट कर, अरे हम क्या कर रहे हैं, माइनॉरिटी को ही अधिकार दे रहे हैं, मगर वो माइनॉरिटी बांग्लादेश पाकिस्तान और अफगानिस्तान। माननीय, हमने कहा था पड़ोसी देशों के प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, जिसको सीएबी के पॉपुलर नाम से जाना जाता है, हम इसको लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। और हम साथ में भी कहा था कि हम पूर्वोत्तर राज्यों के उन वर्गों के लिए मुद्दों को स्पष्ट करने के लिए भी प्रयास करेंगे जिन्होंने कानून के बारे में आशंका व्यक्त की है, और पूर्वोत्तर के लोगों की भाषाई, सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान की रक्षा के लिए भी हमारी प्रतिबद्धता है। माननीय, आज जो मैं बिल लेकर आया हूं, वो बिल हमारी वो घोषणा पत्र के अनुरूप है जिसको इस देश की 130 करोड़ की जनता ने मोदी जी के मैंडेट के साथ अप्रूव किया। अरे सालों की मांग है,
इसमें पार्टी की आइडियोलॉजी से ऊपर उठकर सोचना चाहिए सदन। लाखों करोड़ों लोग वहां से धकेल दिए गए। कोई आदमी अपना देश वैसे ही नहीं छोड़ता है, देश छोड़िए जनाब गांव नहीं छोड़ता है। कितने प्रताड़ित हुए होंगे, कितने दुखी हुए होंगे, कितने अपमानित हुए होंगे, तब जाकर वो देश छोड़कर यहां शरण में आए। और इतने सालों से उनको ना मताधिकार है, ना उनको शादी का अधिकार है, ना उनको सरकारी नौकरी का अधिकार है, ना घर खरीदने का अधिकार है, ना शिक्षा का अधिकार है, ना स्वास्थ्य का अधिकार है। माननीय लाखों करोड़ों लोग नर्क की यातना के अंदर जी रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये बिल आने के बाद उनको सम्मान मिलेगा, उनको अधिकार मिलेगा। और इसमें किसी का कोई अधिकार हम नहीं छीन रहे। मैं बाद में इस विषय पर आऊंगा, आप सबकी बात सुनने के बाद जब मैं जवाब दूंगा तब एक एक चीज का जवाब दूंगा। मगर मेरा सभी पक्ष और विपक्ष से, सभी सांसद महोदयों से एक आग्रह भरा विनंती है कि चर्चा को शांति से सुने और चर्चा में शांति से हिस्सा लें। जब कोई खड़ा होता है अपने विचार के अनुकूल नहीं बोलता है तो टोका टोकी करना, बिठा देना, मैं नहीं मानता ये महान सदन की गरिमा के अनुरूप है। सुबह मैंने शांति से आप सबको सुना, जब मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ बीच बीच में खड़े हो जाते थे, भैया मुझे भी तो सुनो, मैं भी तो सांसद हूं, 18 लाख लोगों ने मुझे भी चुनकर भेजा है, ऐसा कैसे चलेगा कि आप मुझे नहीं सुनोगे। तो मेरा सबसे निवेदन है कि हम चर्चा के अंदर जो हिस्सा ले वो सदन की गरिमा के आधार पर ले। माननीय, हमने ये बात सही है कि विविधता में एकता ही हमारा सबसे ज्यादा बड़ा स्ट्रांग देश को एक रखने का मंत्र है। सहिष्णुता हमारा गुण है। माननीय, कभी भी इस देश ने सीमाओं को लांघकर कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया। 10,000 साल का इतिहास है माननीय, यहां से सेना कभी हमारी इसके बाहर नहीं गई। सहिष्णुता हमारा गुण है। बदलाव को हमने खुलेपन से स्वीकार किया है माननीय, ये इसी कारण ये देश इतनी सदियों से चला है। बदलाव को हम स्वीकार करते हैं, बदलाव को समाहित करते हैं अपनी संस्कृति के अंदर और संस्कृति की यात्रा को और आगे ले जाते हैं। माननीय, सामूहिक चित्त और मानस हमारी संस्कृति का अविभाज्य हिस्सा है माननीय, और ये बिल उसी को परिव्याख्यायित करने वाला बिल है माननीय। मित्रों, माननीय, मैं फिर से एक बार कहता हूं कि 15 अगस्त 1947 को आजादी को बाद किसी भी प्रकार की इसके साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, इसके अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। संविधान की इस स्पिरिट को माननीय हम स्वीकार कर रहे हैं। और माननीय, मगर किसी भी सरकार का ये तो कर्तव्य है कि देश की सीमाओं की सुरक्षा करे, देश के अंदर आते हुए घुसपैठियों को रोके, शरणार्थी और घुसपैठियों की अलग अलग पहचान करे, ये भी तो राज्य का कर्तव्य है, वरना क्या ये देश सबके लिए खुला छोड़ देंगे। जो बात करते हैं मैं उनको पूछना चाहता हूं माननीय, कौन सा देश ऐसा है जिसने नागरिकों को नागरिकता, तो बाहर के लोगों को नागरिकता का अधिकार देने के लिए कानून नहीं बनाया है? दुनिया में कोई ऐसा देश भला हो सकता है क्या? कोई नहीं हो सकता माननीय। लिबरल से लिबरल देश अपना कानून बनाया, हमने भी बनाया है माननीय, और हमने इसीलिए संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किया है। और एकल नागरिकता के प्रावधान को अनुच्छेद 5(11) में इसका प्रावधान किया है। माननीय, आज जो मैं बिल लेकर आया हूं, सुबह इसको सदन में रखने के पहले ढेर सारे सदस्यों ने इसका विरोध किया कि हम ऐसा नहीं कर सकते। आर्टिकल 14 का वायोलेशन होता है। माननीय, इस देश में बहुत बार ऐसा हुआ है, मैं बताना चाहता हूं, और जो लोग आज विरोध कर रहे हैं उनके शासन के समय में ही हुआ है, उन्होंने ही किया है। शायद अपनी सरकारों के कामों को ढंग से पढ़ लेते तो शायद न बोलते। मैं आपको बताता हूं, सन 47 में जितने भी शरणार्थी आए सबको भारत के संविधान ने स्वीकार कर लिया।
स्वीकार करा है हमने, हर जगह पे रहते, शायद ही हिंदुस्तान का कोई गांव ऐसा होगा जहां पूर्व और पश्चिम पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी न रहते हो। कई लोग इस देश में बड़े बड़े पद पर बैठे, मनमोहन सिंह जी भी उसी कैटेगरी में आते हैं, श्री लालकृष्ण आडवाणी भी उसी कैटेगरी में आते हैं। मान्यवर, हमने स्वीकार किया था, उनको नागरिकता दी थी, तभी तो वो देश के उप प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री बन पाए, बड़े बड़े उद्योगपति बने, इस देश की विकास की यात्रा में अपना योगदान दिया, इस देश की विकास की यात्रा को आगे बढ़ाए। इसके बाद में 71 में, 71 बीच में, 59 में दंडकारण्य योजना आई, या माता साहब बैठे हैं जो अभ्यास करते हैं उनको मालूम होगा क्या थी दंडकारण्य योजना, ये भी शरणार्थियों को नागरिकता देने का था। 71 की लड़ाई के बाद जब इंदिरा जी ने बहुत राइटली इंटरवीन कर बांग्लादेश की रचना करी, रचना करने में भारत की सेना ने सहायता की क्योंकि वहां बहुत प्रताड़ना हो रही, और बांग्लादेश की रचना के बाद 71 तक के सारे शरणार्थी जो आए थे उनको यहां शरण भी दी गई, नागरिकता भी दी गई। माननीय, किसी ने विरोध नहीं किया, हमारी पार्टी ने भी विरोध नहीं किया, इस देश की करोड़ों की जनता ने 5 पैसे का बांग्लादेश का एक अलग टिकट सालों तक लगाया है माननीय, उनके निर्वहन के लिए, इसके बजट का जो उसका बोझ आता था उसके निर्वहन के लिए 5 पैसे का एक अलग टिकट हम पोस्ट पर लगाते थे, आप सभी को याद होगा। उसके बाद युगांडा में इदी अमीन का शासन आया, भारतीयों को निकाल दे गए, फिर से सामूहिकता से नागरिकता दी गई। लंका क्राइसिस में भी काफी सारे भारतीय जो वहां गए थे उनको नागरिकता दे दी गई। 1985 में आसाम एकॉर्ड हुआ, राजीव गांधी और आसाम के छात्र नेताओं के बीच में हुआ, उसमें फिर से 71 तक आसाम में जितने भी लोग थे सबको नागरिकता दे दी गई, और उस वक्त किसी ने विरोध नहीं किया, हमने भी नहीं किया था क्योंकि हम समझते थे कि समय की जरूरियात और हमारे देश के जो लोग हैं वो कहां जाएंगे, हमने विरोध नहीं किया। और आज जब हम बिल लेकर आए हैं तो कृपया इसको राजनीतिक पार्टी के आधार पर मत देखिए, जो करोड़ों नागरिक आ रहे हैं, आ गए हैं यहां पर करोड़ों है, जो नर्क की यातना में जी रहे हैं। मैं बंगाल के सभी सांसदों को तो विशेष रूप से कहना चाहता हूं, वो भी इस डिबेट को देखते हैं, उनको भी आशा है आपसे कि आप उनकी नागरिकता का समर्थन करोगे। वो लोग भी चाहते हैं कि आप उनको अधिकार जो मिल रहा है उसमें रोड़ा न डालो। और मैं कांग्रेस के मित्रों को भी कहता हूं कि आप चर्चा के अंदर ये साबित कर दीजिए कि बिल किसी के साथ भेदभाव करता है तो मैं यहां से बिल लेकर वापस चला जाऊंगा, मगर ये बिल किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, किसी को अधिकार देने का बिल है, किसी का अधिकार छीनने का बिल है, किसी का अधिकार नहीं छीना जाता। और ये बिल के अंदर हमने जो व्यवस्था की है, ये व्यवस्था में थोड़ा फिर से एक बार बताना चाहता हूं, ये विधेयक हमारे 3 पड़ोसी देश जिनसे हमारी जमीनी सीमा छूती है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध और ईसाई समुदाय के ऐसे प्रवासियों के लिए भारतीय नागरिकता का रास्ता खोलता है जो धर्म के आधार पर अपने देश में प्रताड़ित हुए हैं। या तो दस्तावेज है तो वो दस्तावेज अपनी समय सीमा को लांघ गया है, या तो दस्तावेज है नहीं, या तो अधूरा है, या तो समय सीमा को लांघ गए। ये सभी प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के लिए ये बिल के अंदर प्रावधान है। अब मैं प्रावधान को जरा डिटेल में बताता हूं। माननीय, नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 2(1)(b) में अभी प्रावधान है कि कोई भी विदेशी नागरिक बिना पासपोर्ट और वीजा के और ट्रैवल दस्तावेजों के भारत में प्रवेश करता है तो उसको अवैध माना जाता है। इस विधेयक में प्रस्ताव है कैसे प्रताड़ित नागरिक जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश कर चुके हैं, जिनको भारत सरकार ने द पासपोर्ट एक्ट 1920 और फॉरेनर्स एक्ट 1946 के दंडात्मक प्रावधानों से माफ कर दिया है,
उनको नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 2(1)(b) में अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा और इन प्रताड़ित प्रवासियों को भारत की नागरिकता देंगे। और माननीय आज की प्रक्रिया नहीं है, उस वक्त किसी ने विरोध नहीं किया जब श्रीमान राजनाथ सिंह जी गृहमंत्री थे, मोदी जी ही प्रधानमंत्री थे उस वक्त, ये सारे लोगों को लॉन्ग टर्म वीजा का प्रोविजन कर दिया गया था, उनको यहां रहने की एक प्रकार से अनुमति दे दी गई थी और आज वही चीज को एक्सटेंड करते हुए आज उनको नागरिकता देने की प्रक्रिया लेकर ये बिल आया है माननीय। और मैं मानता हूं कि लाखों करोड़ों लोगों की नर्क जैसी यातना भरी जिंदगी से ये विधेयक उनको मुक्ति दिलाने वाला है और उनको भारत के नागरिक का एक सम्मानजनक आधार देने वाला है। ये बिल भी पास हो चुका है, ये बिल भी पहले लोकसभा ने पास किया था, राज्यसभा में पास नहीं हो पाया, लोकसभा की अवधि खत्म हो गई, लैप्स हो गया, तो मैं फिर से लेकर आया हूं। माननीय इसमें 6 बिल लाने का भी प्रस्ताव है जिसमें भारत सरकार यह प्रावधान करेगी कि धार्मिक उत्पीड़न के शिकार उपरोक्त प्रवासी निर्धारित की गई शर्तों, प्रतिबंधों व तौर तरीकों को अपनाकर रजिस्ट्रेशन या न्यूट्रलाइजेशन के माध्यम से भारत की नागरिकता नेचुरलाइजेशन इसके लिए भाई कभी कभी ठीक भी बोल लेते हैं, आप चिंता मत करो। इस विधेयक में नागरिकता अधिनियम की धारा 18(2)(ii) में सरकार के इस बारे में नियम बनाने की शक्तियां दी है। माननीय जो धार्मिक प्रताड़ना के आधार पर तीन देशों के जो अल्पसंख्यक यहां आए हैं, जो माइनॉरिटी यहां है, मैं माइनॉरिटी शब्द इसलिए बार बार बोलता हूं कि आपको मालूम पड़े माइनॉरिटी की ही चिंता है, माइनॉरिटी जो वहां से यहां आई है माननीय, जिसमें हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी है, क्रिश्चियन भी है, उनको एक अर्जी लगाने से नागरिकता मिलेगी और इसके रूल्स भारत सरकार बाद में बनाएगी। यह प्रावधान किया जा रहा है कि ऐसे प्रवासी अगर नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा के तीसरे शेड्यूल की शर्तें पूरी करने के उपरांत नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं तो उनको भारत में उनके प्रवेश से ही नागरिकता दी जाएगी। माननीय उनकी एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि आज वो बेचारे अप्लाई करते हैं तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये भारत के नागरिक नहीं है, बीच में किसी ने छोटा सा घर ले लिया है, किसी ने स्कूटी ले ली, किसी ने साइकिल ले ली, किसी को छोटी बहुत नौकरी भी मिल गई है, कुछ मिलता नहीं है मगर किसी को मिल गया तो उसको डर है कि मेरा ये छीन जाएगा, तो ये बिल उनको प्रोटेक्ट कर रहा है। और मैं मानता हूं कि सदन के सभी सदस्यों को, विशेष करकर बंगाल के लोगों ने, बंगाल के अंदर जो शरणार्थी है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर शरणार्थी है, उसको ये बात अच्छे से पहुंचानी चाहिए कि आप जिस तारीख से भारत में आए हो उस तारीख से आपको नागरिकता दी जाती है, बीच में किसी की भी जरूरत नहीं, कोई रेशन कार्ड निकालने की जरूरत नहीं, खामखा लाइनें मत लगाइए, कोई आपको डरा देता है डरिए मत। मैं कहता हूं देश के गृहमंत्री के नाते, आपके पास रेशन कार्ड है या नहीं है हम नागरिकता देंगे। माननीय अगर ऐसे अल्पसंख्यक, एक दूसरी दुविधा है कि मैं आज एप्लीकेशन करता हूं तो अब तक तो अवैध रूप से मैं रहा तो मुझ पर केस हो जाएगा, ये भी भय है, ये भय खड़ा भी किया जा रहा है, प्रचार करती है कुछ पार्टियां कि एप्लीकेशन मत डालो वरना जेल में जाओगे। अरे भैया क्यों जेल में भेजना है, बेचारे वैसे ही परेशान है। तो माननीय हम प्रोविजन लेके आए हैं कि ऐसे अल्पसंख्यक प्रवासी के खिलाफ, अवैध प्रवासी या नागरिकता के बारे में कोई भी कार्यवाही चल रही है या चल सकती है तो वो भारत के नागरिकता मिलने के साथ ही खत्म हो जाएगी किसी भी प्रकार का, और वो ऐसी कार्यवाही चल भी रही है तो कार्यवाही के साथ भी एप्लीकेशन करने के लिए पात्र होगा, मगर किसी पे केस चल रहा है तो भी आप एप्लीकेशन कर सकते हो। माननीय इसमें यह भी प्रोविजन किया है कि भारत सरकार का जो सक्षम अधिकारी होगा
इस कारण से नागरिकता के आवेदन को खारिज नहीं कर पाएगा, उसके खिलाफ अवैध प्रवास या नागरिकता के विषय में कोई कार्यवाही चल रही, ये प्रोविजन भी हमने कराए। मान्यवर, इस धारा में हमने ये भी प्रावधान किया है कि अगर कोई आवेदक आवेदन की तिथि को किसी भी प्रकार से अधिकार या प्रिविलेज ले रहा है, मतलब मानो किसी की शादी हो गई, किसी को छुटपुट छोटी मोटी नौकरी मिल गई, प्यून बन गया या कुछ भी बन गया, किसी ने छोटा मोटा मकान खरीद लिया, कोई प्रिविलेज ले रहा है, तो इस प्रावधान के तहत आवेदन करने से इन अधिकार व प्रिविलेज से वो वंचित नहीं किया जाएगा, उसको संपूर्ण प्रोटेक्शन मिलेगा। माननीय, ये भी हमने प्रोविजन किया है, बहुत सारे संसद सदस्यों ने, श्रीमान गोगाई जी ने भी एक मुद्दा उठाया था कि पूर्वोत्तर लोगों की भाषाई सांस्कृतिक और सामाजिक रक्षण के लिए आप क्या करोगे। मान्यवर, इस बिल के अंदर हम इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मैं इस सदन के सामने पढ़ना इसलिए चाहता हूं कि पूर्वोत्तर के अंदर या तो समझकर या तो समझे बगैर ढेर सारे लोगों के मन में एक भय खड़ा करने का प्रयास हो रहा है, और किसी को भय आक्रांतित होने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं इसको बहुत स्पष्टता के साथ यहां आपके सामने मान्यवर रखना चाहता हूं। मान्यवर, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश बंगाल ईस्ट फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट के अनुसार कवर होता है, और जो बंगाल ईस्ट फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट के अनुसार कवर होते हैं, इसको ये कानून का कोई डर रखने की जरूरत नहीं है, वहां ये कानून ये नागरिकता अप्लाई नहीं होगी। नागालैंड पूरा थोड़ा हिस्सा छोड़कर इनर लाइन परमिट सिस्टम से प्रोटेक्टेड है, उनकी वो प्रोटेक्शन चालू रहेगा। मिजोरम भी पूरा इनर लाइन परमिट सिस्टम से प्रोटेक्टेड है, जो कि बंगाल ईस्ट फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 का प्रावधान है, तो वो भी चालू रहेगा। मणिपुर, राज्यों की भावना को ध्यान में रखकर मणिपुर को हम इनर लाइन परमिट की सिस्टम के अंदर ला रहे हैं, मणिपुर की घाटी की बहुत बड़ी समस्या का आज समाधान। माननीय, मणिपुर की घाटी के सारे लोग बहुत समय से इसकी मांग कर रहे थे, और मैं आज मणिपुर के लोगों के ओर से देश के प्रधानमंत्री का कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने मणिपुर की एक सालों पुरानी मांग को आज समाप्त कर दिया। त्रिपुरा में एडीसी क्षेत्र में सीएबी लागू नहीं होगा, और हाई लेवल कमिटी जो बनाई है उसी में सारे ट्राइबल को समाहित करने का काम किया है। मेघालय पूरा सिक्स शेड्यूल से कवर है, सिक्स शेड्यूल को हम इसके बाहर रख रहे हैं। आसाम का जहां तक सवाल है, बीटीसी, कार्बी आंग्लो, डीमा, हसाव, ये सारी एडीसी को सीएबी से बाहर रखा गया है, और जो आसाम का मूल प्रदेश है वहां पर क्लॉज सिक्स, सुबह गौरव भाई बात करते थे कि आसाम एकॉर्ड का ये भावना है। गौरव जी, भावना को क्या करोगे? 1985 में राजीव गांधी जी ने आसाम एकॉर्ड करा मान्यवर, उसके बाद में कुछ नहीं किया, सिर्फ भावना ही रही। पहली बार क्लॉज सिक्स की कमिटी श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने बनाई है, और आसाम के भाषाभाषी लोगों को उनकी संस्कृति और राजनीतिक पहचान को जिंदा रखने का आज एक प्रयास हम कर रहे हैं। क्या किया भाई बताओ? मैं आसाम की जनता को भी पूछना चाहता हूं इस सदन के माध्यम से कि जिन्होंने आसाम एकॉर्ड किया इतने साल तक क्या किया? आसाम एकॉर्ड की कौन सी चीज को आप इंप्लीमेंट किया? एनआरसी किया? ना जी। क्लॉज सिक्स को किया? ना जी। क्या किया? तो 71 तक के सारे लोगों को लाकर बसा दिया। तो आसाम का क्या हुआ भाई? कुछ नहीं हुआ। 15-15 साल तक कांग्रेस का शासन वहां रहा, कोई नहीं बोला। अब जब हम लेकर आ रहे, हम इस समस्या का समाधान कर रहे, तब जाकर इसका विरोध किया जा रहा है। मान्यवर, मैं मानता हूं कि आसाम की 6 समुदाय, मोरन, मटक, ताय, अहम, कोच, रजवंशी, सुतिया और टी ट्राइब, इसको भी अनुसूचित जाति के सदस्यता समाहित करने के लिए श्रीमान राजनाथ जी थे, तब से
प्रयास हुआ है और इसमें भी हम आगे बढ़ रहे हैं। बोडो समुदाय के सांस्कृतिक विकास के लिए भी बोडो म्यूजियम, सांस्कृतिक अध्ययन केंद्र, कोकजार आकाशवाणी व दूरदर्शन का आधुनिकरण, सुपरफास्ट और नई एक्सप्रेस का नामकरण भी ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने ही किया है। आसाम के इश्यू को भी हम इस प्रकार से मान्यवर एड्रेस कर रहे हैं। इसलिए आज इस सदन के माध्यम से मैं समग्र नॉर्थ ईस्ट की जनता को कहना चाहता हूं कि पूरे नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों के चिंताओं का निराकरण इस बिल के अंदर समाहित है। कोई उकसावे में मत आना, कोई आंदोलन मत करना, बहुत हो चुका, अब ये देश शांति के साथ आगे बढ़ना चाहता है मान्यवर। और ऐसा नहीं है कि मैंने किसी से चर्चा नहीं की, विगत एक मास के अंदर 140 से ज्यादा संस्थाएं मान्यवर, 140 से ज्यादा अलग अलग एनजीओ, राजनीतिक दल, जिसमें कांग्रेस की पार्टी के सभी राज्यों के नेता भी थे और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मैंने लगभग 119 घंटे चर्चा की है मान्यवर, 119 घंटे। और उन्होंने जो सुझाया वो सारे सुझाव इसके अंदर मैं समाहित करने के लिए आया हूं। मेरे पास ढेर सारा लिस्ट है मगर पूरा लिस्ट मैं नहीं पढ़ूंगा, अगर वो उठाएंगे मुद्दा तो मैं जरूर पढ़ लूंगा, परंतु सभी लोगों के साथ मैं ये करकर आया हूं मान्यवर। इसके साथ हम एक और इसमें रियायत भी दे रहे हैं कि अभी न्यूनतम रेसिडेंसी पीरियड 1+11=12 है, अब हम 2014 का कट ऑफ डेट रख रहे हैं 31 दिसंबर 2014 का, तो उन लोगों को 11 साल होगा 14 और 11 मतलब 25 में, तो हम इसको कम कर 1+5 कर रहे हैं, तो 14 से 6 2020 में सब एप्लीकेशन भी कर जाएंगे और जल्दी से नागरिक बनकर भारत की मतदाता सूची में भी आएंगे, तो उसके अंदर भी हम उनको बहुत बड़ी रियायत दे रहे हैं मान्यवर। और मैं मानता हूं कि ये जो रास्ता श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रशस्त किया है वो रास्ते को के माध्यम से देश के लाखों करोड़ों आज जो देश में रहने वाले 3 देशों के धार्मिक प्रताड़ना के कारण यहां आए हुए हैं, माइनॉरिटी है, लघुमति है, वो लघुमतियों को मतलब हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और श्रुति बहन कह रही है पारसी, हाजी बहन पारसी भी है, पारसी समेत सभी माइनॉरिटी को यहां पर नागरिकता देने का रास्ता प्रशस्त हो रहा है। आज अभी भी फिर भी बिल को पुरस्थापित करते वक्त बहुत सारे सदस्यों ने बिल की इस सदन की कॉम्पिटेंसी पर सवाल उठाया था, वैधता के बारे में कि हम इस बिल संवैधानिक रूप से ये सदन ले सकता है या नहीं ले सकता है, अभी भी किसी के मन में संशय है, प्लीज आपके वक्तव्य के अंदर जरूर सदन के पटल पर रखेगा। मैं एक शब्द चुराए बगैर, एक सांसद को चुराए बगैर हरेक का बहुत डिटेल में जवाब दूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरा दायित्व है कि विपक्ष के भी सारे सांसदों के सवाल का जवाब देना और इसको जस्टिफाई करना। तो मान्यवर इतनी भूमिका के साथ मैं इस बिल को सदन के सामने विचार करने के लिए प्रस्तुत करता हूं और आप सभी लोग रचनात्मक दृष्टि से इसको ले, इतनी विनती कर मेरी बात को समाप्त करता हूं।